वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन स्टूड प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने लेक्चर्स देख लिए होंगे, प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत आ रही हो तो कॉल कर लीजिए, कोई इशू नहीं है हमारे लिए। अब हम जानते हैं कि इसके एप्लीकेशन के बारे में। जैसे आपने फर्स्ट ला डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डी डब्ल्यू पढ़ा, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके एप्लीकेशन क्या है वो हम जानेंगे। यहां से आपको SSC JEE हो गया चाहे गेट हो गया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। तो हमारे जो बच्चे जुड़ रहे हैं तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें ताकि उनको वहां से प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मटेरियल मिल सके। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे, हम लोग ये मुहिम इसलिए चला रहे हैं कि जो बच्चे गरीब हैं नहीं कर पाते हैं, ये बेसिकली उनके लिए काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इससे जो अर्निंग हो रही है वो हम गरीब बच्चों पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं जो बच्चे हमारा लेक्चर देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ये चीजें और भी लोगों के लिए प्रमोट करिए जिससे कि और लोगों को फायदा मिल सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको एक रुपया भी आप किसी को नहीं देना है। तो चलिए बात करते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ एप्लीकेशन की। इसमें सबसे पहला है स्टडी फ्लो। हमने बोला कि स्टडी फ्लो डू नॉट चेंज एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय के हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बदलती है। यानी कि जैसे बोला, चाहे तो लिख लीजिए यहां पर, डू नॉट चेंज एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से कोई भी चीज नहीं बदलती, मतलब कॉन्स्टेंट रहती है। मतलब जैसे वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा, वो जीरो होगा। प्रेशर की बात करें समय के हिसाब से जीरो होगा, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें समय के हिसाब से जीरो होगा। डेंसिटी की बात करें समय के हिसाब से तो जीरो होगा। मतलब जो भी आपको दिमाग में आ रहा हो वो सारी के सारी प्रॉपर्टी जीरो होती हैं। अब लेकिन कंक्लूजन ये उसका, क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया आपसे, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कोई भी कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है। हमने बोल दिया ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा टू है, मतलब एक तरीके से ये इनलेट है, यहां पर मेरा आउटलेट है, ठीक है। हमने बोल दिया इनलेट पर हमने 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमने सप्लाई किया, यहां पर 300 डिग्री सेल्सियस, कहीं हो सकता है 200 डिग्री सेल्सियस, कहीं हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस, कहीं हो सकता है 150, कहीं हो सकता है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन जो भी प्रॉपर्टी हो रही है वो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर तो चेंज हो सकती है, लेकिन हमने बोला कि स्टडी फ्लो क्या है, डू नॉट चेंज एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब अंदर कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर तो चेंजेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहां पर इन और आउट पर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। मतलब यहां अगर हमने 300 है तो हमको भी यहां पर 300 डिग्री सेल्सियस मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिला, बात क्लियर हुई, तो चाहो तो यहां लिख लेना फ्लूइड प्रॉपर्टी, यहां लिख लेना फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज विद इन कंट्रोल वॉल्यूम। बात क्लियर हुई, फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज विद इन कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक, एंड पोजिशन बट डू नॉट चेंज विद द टाइम। चाहो लिख लेना डू नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। पोजीशन के हिसाब से तो वो बदल सकती है, लेकिन वो इनलेट और आउटलेट पर वही वैल्यू होनी चाहिए जो हमने यहां इनलेट की, वही आउटलेट हमको मिलना चाहिए। कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कुछ भी प्रॉपर्टी पोजीशन के हिसाब से प्रॉपर्टी बदल सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन SSC ने पूछा हुआ है, SSC JEE ने ये पूछा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की। तो अब हैंड डालिए स्टडी फ्लो एनर्जी, जिसको बोलते हैं SF एनर्जी इक्वेशन, शॉर्ट बोलते हैं SFEE। देखिए थर्मोडाइनेमिक्स में दो टाइप के हैं, एक फ्लो वर्क है, एक शाफ्ट वर्क है। तो बेसिकली हम यहां फ्लो वर्क का मतलब नहीं है, जो थर्मोडाइनेमिक्स में स्टडी फ्लो में ओनली फॉर
शाफ्ट वर्क कंसीडर, ठीक है। यहां पर जो वर्क है वो शाफ्ट वर्क कंसीडर किया है, मतलब सिंपल सी भाषा है कि टर्बाइन पे क्या लगती है, शाफ्ट लगी होती है, उस शाफ्ट का हम कंसीडर कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। अब हम एक डायग्राम बना के समझते हैं, ये बेसिकली हमारा, ये मेरा बेस है, ये मेरा इनलेट है, ये मेरा आउटलेट है, इससे दूरी हमने बोल दी y1 है, इससे दूरी हमने बोल दी y2 है, ठीक है। यहां पर क्या लगी है, टर्बाइन मतलब शाफ्ट लगी है, जो क्या हो रहा है, शाफ्ट वर्क प्रोड्यूस कर रही है। अब आपको पता था किसी चीज को घुमाने के लिए, वर्क ऑन द सिस्टम करने के लिए हमने क्या लिया था, वर्डन निगेटिव लिया था। तो जब आप इसके अंदर क्या ब्लेड्स लगे हो, जब इसको घुमाओगे, यहां से फ्लो करवाओगे, मतलब वाटर सप्लाई करवाओगे, तो ये क्या है, इस पर टकराएगा तब ये घूमेगा, यानी कि आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो किसी सिस्टम के ऊपर। तो W क्या है, W क्या था हमारे पास, W इज इक्वल टू P इनटू डेल्टा V, किलो जूल पर केजी में था, ठीक है। इसको बस इसमें लिख लीजिए, इसको केजी हटा के यहां लिख लीजिए, एम पी डेल्टा वी, या सिंपल उसको ऐसे लिख लीजिए पी वी डेल्टा एम। बहुत छोटा सा केसेस है क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसे, स्मॉल सेक्शन की, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पी वी डेल्टा एम, ठीक। ये हमने बना लिया, मतलब यहां से एम हटा के गुणा में लगा दिया हमने, ठीक है। बहुत छोटे सेक्शन की बात करें इसलिए डेल्टा एम ले लिया, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट सेक्शन है, ये मेरा दूसरा सेक्शन है। अब जब हम फ्लो करा रहे हैं तो क्या देंगे, वर्क ऑन द सिस्टम देंगे, मतलब नेगेटिव देंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस पी वन वी वन डेल्टा एम वन। अब हमने फ्लो करा दिया, अब क्या हो रहा है, आपकी शाफ्ट घूम गई, मूव कर गई, अब आपका आउटलेट बाहर आ रहा है, मतलब इसको बाहर कराने के हमें कोई काम नहीं कर रहा, ये अपने आप आ रहा है, यानी कि जैसे एक्सपेंशन प्रोसेस। तो क्या हो गया, ये पी टू वी, ऐसे लिखो पी टू वी टू डेल्टा एम टू, ठीक है। तो टोटल डब्ल्यू नेट कितना आया, टोटल नेट कितना आया, डब्ल्यू एक्स माइनस माइनस पी वन वी वन डेल्टा एम वन प्लस पी टू वी टू डेल्टा एम टू, ये मेरे पास डब्ल्यू नेट वर्क डन इतना आया इस सिस्टम के अंदर। अब हमको पता था बाय द फर्स्ट लॉ, बाय द फर्स्ट लॉ क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डी डब्ल्यू, यही तो था बेटा। अब देखो डेल्टा क्यू ई को तोड़ लो, ई टू माइनस ई वन, और ये डब्ल्यू नेट है वो ये वाला है, चाहो तो इसको लिख लेना डब्ल्यू नेट, ठीक, प्लस डब्ल्यू नेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाफ, ऐसे लिख लो, पहले शॉर्ट में लिख लो, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी टू सेक्शन की, माइनस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी फर्स्ट पॉइंट प्लस डी डब्ल्यू नेट। अगर आपने बेटा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि जब हमने इंटरनल पढ़ी थी तो सम किसका था, टोटल एनर्जी किसके सम थी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी का ये सम था, ठीक है। तो वो हमने उठा के रख दी यहां पर, ये क्या होता है, ये होता है हाफ, ब्रैकेट में लो, हाफ हाफ एम बी डेल्टा एम वन सॉरी एम टू वी टू का स्क्वायर। पोटेंशियल क्या होती है, एम जी एच, एम डेल्टा एम जी, और ये क्या है वाई वन, तो यहां लिखेंगे ये वाई टू है तो वाई टू रख दो इसकी जगह पे, वाई टू प्लस इंटरनल एनर्जी क्या है, डेल्टा एम टू यू टू। इतनी बात क्लियर हुई, इसको एक ब्रैकेट पे लिख दो,
माइनस, अब इसके यहां पे ये भी लिख दो, बस यहां पे इसके यहां पे क्या लिखना है, वन दिया लिखना है, क्या है हाफ डेल्टा एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा एम जी वाई वन प्लस डेल्टा एम वन यू वन, और ये प्लस यहां लिख देता हूं मैं डी डब्ल्यू नेट, ठीक है। अब जो जितनी वैल्यू है पुट कर दो पहले जरा, डेल्टा एम टू वी टू का स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस डेल्टा एम टू जी वाई टू प्लस डेल्टा एम टू यू टू माइनस, इसका माइनस ओपन कर दिए, अब रहने दीजिए इसको, इसको रहने दीजिए, इसको इधर ले आएंगे बाद में, तो माइनस क्या हो गया डेल्टा एम वन वी वन का स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस डेल्टा एम वन जी वाई वन प्लस डेल्टा एम वन यू वन, ठीक है, और प्लस ये वाला वर्डन जो यहां लिखा था वो लिख दीजिए, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, माइनस पी वन वी वन डेल्टा एम वन प्लस पी टू वी टू डेल्टा एम टू और प्लस डब्ल्यू एक्स, टोटल इक्वेशन ये बन गई। अब माइनस वाले सारे इधर ले आओ, डेल्टा क्यू, अब देखो यहां से माइनस वाले डेल्टा एम वन कॉमन ले लें, डेल्टा एम वन कॉमन निकाल लो, तो क्या बना यहां पर, एक तो वी वन का स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस जी वाई वन प्लस क्या बचा यू वन और क्या बचा प्लस पी वन वी वन, ये बचा यहां पर, ऐसे यहां से डेल्टा एम टू कॉमन निकाल लो प्लस इक्वल्स टू डेल्टा एम टू क्या हो गया वी टू का स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस जी वाई टू प्लस यू टू प्लस पी टू वी टू और क्या बचा प्लस डब्ल्यू एक्स। अब देखो हमको पता था h इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, यानी कि ये वैल्यू क्या बन गई, ये क्या बन गई डेल्टा q प्लस डेल्टा m1, इसको यहां h1 लिख लो, h1 प्लस v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस g y1, ये माइनस चल रहा है सॉरी बराबर चल रहा है, तो बराबर डेल्टा m2 यहां से ये क्या हो गया h2 प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस g y2 और प्लस प्लस w इंटू एक्स, ये निकल के आ गई मेरे पास एक इक्वेशन, प्रूफ होके आ गई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इसी को बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, लेकिन ये वैलिड है ऑल फ्लूड के लिए, ऑल फ्लूड वैलिड, या कह सकते हो ऑल प्रोसेस वैलिड, मतलब ये सभी प्रोसेस के लिए वैलिड है, चाहे वो रिवर हो, रिवर्सेबल हो चाहे इरिवर्सेबल हो, ये सभी के लिए वैलिड है, और इसका आंसर आएगा किलो जूल में, सॉरी जूल में, ये रहेगा जूल, ठीक है। अगर मैं इसको 1000 से गुणा कर दूं नीचे तो आंसर किस में चला जाएगा, किलो जूल में, ठीक है। ये जानेंगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तब ये हमको पता लग जाएगा कब किलो लिखना है कब किलो जूल लिखना है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का हम बार बार यूज करेंगे, यहां तक नोट करिए, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही हो, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो यहां पर तो बोलो, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर, चलिए ये था सिंगल फ्लूड के लिए, चौदह लिख लेना, ये सिंगल फ्लूड के लिए थी, सिंगल फ्लूड के लिए, ठीक है। अभी हम बात करेंगे मल्टी फ्लूड के लिए भी बात करेंगे, ठीक है, पहले इतना नोट करिए, यहां तक इतने सारे पॉइंट्स नोट करिए पहले, चलिए बात करते हैं केसेस की। तो अब हम इसमें जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, सर देखिए बेटा सारे बच्चे जो लोग हैं
वो ध्यान रखिएगा, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का, ये बहुत यूज होती है, इस पे एप्लीकेशन भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके केसेस की। ठीक है, तो पहला केस है मेरे पास नोजल, पहला केस है मेरे पास नोजल। और देखो बेटा नोजल का कैसा था, वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ऐसा होता है नोजल का, नोजल ओनली फॉर वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें कोई भी रोटरी मतलब घूमने वाला पार्ट, कोई रेसिप्रोकेटिंग पार्ट नहीं लगा होता, ओनली फॉर वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये घटते हुए क्रम का एक एरिया है बस। जैसे आपने देखा होगा इंजन या जनरेटर में लगी हुई जो नोजल होती है, जस्ट वही है, इसके अंदर कोई पार्ट नहीं होता, सिर्फ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, अब हमने बोला कि हमने पहले पढ़ा था एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, क्योंकि हम सब क्या पढ़ रहे हैं, आइडियली पढ़ रहे हैं, तो ये सब मानेंगे एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस। तो ये कैसी है, एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, और इसको क्या कर रखा है, हमने इंसुलेट कर रखा है, मतलब ना तो हीट आ सकती है ना तो जा सकती है, इसको बोल दिया इंसुलेटर। ठीक है, एंट्रोपी कांस्टेंट है फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, नोजल का काम क्या है, नोजल का ओनली फॉर टेक्निकल एक ही काम है, प्रेशर को घटाना, वेलोसिटी को बढ़ाना। देखो जाहिर सी बात है, मतलब प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे, हाइट घटती चली आ रही है तो मेरा प्रेशर घटता चला जा रहा है, यानी इसका काम क्या है, प्रेशर को डिक्रीज करना, वेलोसिटी को बढ़ाना, और वेलोसिटी का मतलब काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना। इतनी बात क्लियर हुई, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना। चलिए अब यूज्ड स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, अभी हमने पढ़ी डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा एम वन एच वन प्लस वी वन स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस जी वाई वन इक्वल्स टू डेल्टा एम टू एच टू प्लस वी टू स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस जी वाई टू प्लस डी डब्ल्यू एक्स। कोई रोटरी कोई रेसिपिटिंग पार्ट नहीं, तो डी डब्ल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, इंसुलेट कर रखा है, एडियाबेटिक है, तो क्या हो गया, हीट जीरो हो गई, ये दो पार्ट मेरे क्या हो गए, जीरो हो गए। ठीक है, उसके बाद प्रेशर घट रहा है, मतलब हमने बोले कि हाइट क्या है, हाइट हमने बोल दी सेम, यानी कि वाई वन बराबर y2 हो गया, तो ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही, इसका मतलब इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी, जीरो होगी, यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि v1 क्या हो जाएगा, जीरो होगा, क्या बचा v2, हमने बोल दिया मास कैसा है, यूनिटी है, मतलब वन है, तो मास भी मेरा खत्म, क्या बचा मेरे पास h1, ये तो जीरो हो ही गया, h1 इक्वल्स टू h2 प्लस v2 का स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ये इक्वेशन मेरे पास निकल के आई, यहां से v2 निकाल लो, v2 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं अंडर रूट, क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, ये गुणा में चला जाएगा, टू h1 माइनस h2। यहां तक जरा नोट करिए, यहां तक कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है, देखो यहां पर v2 बढ़ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मेरी बढ़ गई, लेकिन मेरी एंथैल्पी क्या हो गई, घट गई, यानी मेरी एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, अगर बढ़ रही होती तो H2 माइनस H1 हो रहा, लेकिन घट रही है तो H1 माइनस H2 है, अगर बढ़ रही होती तो H2 माइनस H1, बात क्लियर हुई, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन एंथैल्पी मेरी घट रही है। ठीक है, एरिया क्या हो रहा है, कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, इतनी बात क्लियर, एरिया क्या हो रहा है, कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम भी मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है, इसका मतलब फ्लो मेरा कैसा हो गया, इसका मतलब फ्लो कैसा हो गया, फ्लो सबसोनिक हो गया, फ्लो कैसा हो गया, सबसोनिक हो गया, इतनी बात क्लियर हुई। दूसरा पॉइंट,
यही बात याद रखनी है, एसएससी जेई में यही पूछेगा आपसे ये सारे पॉइंट, ये लिख लो ऐसे, ये सब सब चाहे वो एसएससी हो चाहे गेट हो, वो यही पॉइंट पूछेगा आपसे, ठीक है। दूसरा पॉइंट डिफ्यूजर। अब डिफ्यूजर क्या होता है, नोजल का जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है, इसको भी हमने क्या कर रखा है, इंसुलेट कर रखा है, इंसुलेट कर दिया। यहां पर भी बोल दिया, जैसे बोला एंट्रोपी कांस्टेंट, यहां तक यहां पर भी क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट 1 से 2, ठीक है। ये इसका मतलब यहां पर क्या है, जस्ट इसका उल्टा है, तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी, घट रही होगी, यानी कि प्रेशर आपका क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, यानी कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम रही होगी, यहां पर आते आते क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। सारा फॉर्मूला यही लगा है, स्टेडी फ्लो एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, बस ये वैल्यू बदलेगी, यानी कि यहां पर V1 खत्म हुआ था, यहां V2 खत्म हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, H1 प्लस V1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू H2, यानी कि V1 अंडर रूट 2 H2 माइनस H1। इसका मतलब उल्टा हो गया, इसका इसमें क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, लेकिन एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ रही है, एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि वॉल्यूम भी क्या बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लो मेरा कैसा हो गया, ये फ्लो सबसोनिक था, फ्लो मेरा सुपरसोनिक हो गया। जब भी आपने एयरक्राफ्ट देखा होगा तो कैसा, ये पूछा गया है यहां पे फ्लो कैसा होता है, तो एयरक्राफ्ट में जो फ्लो होता है, मतलब एयरक्राफ्ट में नोजल और डिफ्यूजर दोनों ही लगे होते हैं, तो फ्लो बताते हैं कि कब सोनिक है, कब सबसोनिक है, सुपरसोनिक है, ये सब हम फ्लूड में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। बाकी अगर पावर प्लांट में, अब हम पावर प्लांट पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी इतना याद रखिएगा कि जब एरिया बढ़ता है तो फ्लो कैसा हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है एरिया तो फ्लो कैसा हो जाता है मेरा, सुपरसोनिक हो जाता है, घट जाता है तो सबसोनिक हो जाता है, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए यहां पर, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना रहा हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है टरबाइन का जैसे डिफ्यूजर बना हुआ बिल्कुल ऐसा ही बनता, लेकिन वहां पर क्या होता है, रोटरी पार्ट लगा होता है टरबाइन के अंदर, ठीक है, शाफ्ट लगी होती है और टरबाइन के अंदर रोटरी पार्ट होता है, तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहां से क्या मिलता है, WH हमको मिलता है। देखो बेटा, हमेशा डायग्राम टरबाइन का ऐसा ही बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि टरबाइन में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, यानी कि वर्टन हमको मिल रहा है, इसीलिए डायग्राम इसका जो ब्लॉक डायग्राम, इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम, तो हमेशा ब्लॉक डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है टरबाइन का, क्योंकि एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, हमें वर्डन वहां पर मिल रहा है, इसीलिए ये डायग्राम हमेशा ऐसा ही बनेगा, ठीक है। इसमें भी एंट्रोपिक कांस्टेंट, इसको भी हमने क्या करा, इंसुलेट कर दिया, चल कर दीजिए, ठीक है, 1 से 2 बोल दिया। अब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओ, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा एम H1 प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस GY1 डेल्टा M2 H2 प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस GY2 प्लस DWX या WX मान लो, ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं, हमने स्टडी चौदह लिख लेना, यूज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जान तो गए हो लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, बार बार इसको लिख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। फिर हमने बोला कि इंसुलेट है तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। हमने बोल दिया सेम हाइट पर है तो ये भी सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। हमने बोल दिया इस हाइट पर है तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने थोड़ी देर के लिए बोला इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, है नहीं, एक्चुअल में नहीं है क्योंकि यहां रोटरी पार्ट लगा हुआ है, लेकिन हमने बोल दिया थोड़ी देर के लिए क्योंकि हमें प्रूफ करना है, हमने बोला कि काइनेटिक एनर्जी क्या है,
जीरो है तो ये भी जीरो हो गया भाई, कर दो। ठीक है, मास क्या यूनिटी है, यानी कि डेल्टा एम वन बराबर डेल्टा एम टू बराबर वन। क्या बचा मेरे पास, एच वन इज इक्वल टू एच टू प्लस डब्ल्यू एक्स या डी डब्ल्यू एक्स लिख लो। तो क्या हो रहा है, डब्ल्यू एक्स क्या हो रहा है, एच वन माइनस एच टू। इसका मतलब टर्बाइन में जब एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा था, मतलब एरिया बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, जब एरिया बढ़ रहा है तो टेम्परेचर का मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है। जब टेम्परेचर घट रहा है तो आपको बताया गया था प्रीवियस लेक्चर में कि एंथैल्पी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। जब टेम्परेचर घटेगा तो आपकी एंथैल्पी भी घटेगी। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका वर्क एंथैल्पी क्या हो रही है, घट रही है इन किसमें, टर्बाइन प्रोसेस में। इतनी बात क्लियर हुई। चौथा, ऐसे ही हम बात करते हैं कंप्रेसर की। कंप्रेसर का डायग्राम जस्ट उल्टा, कंप्रेसर जस्ट उल्टा रहेगा इसका, वन टू एंट्रोपी यहां पर भी कांस्टेंट है, सारा फंक्शन रहेगा, लेकिन कंप्रेसर को चलाने के लिए हमें वर्क ऑन द सिस्टम देना पड़ेगा, यानी कि वर्क को सप्लाई करना पड़ेगा, यानी वर्क ऑन द निगेटिव। यहां पर हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर हमें वर्क मिल रहा है, एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, बाकी सारा सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस यहां पर यह बदल जाएगा, यह हो जाएगा यहां से H1 बराबर H2 माइनस WX। माइनस WX मतलब चाहो तो यहां दिखा दो ऐसे WX, यानी कि वर्क ऑन, मतलब जैसे प्राइम मूवर आप देते हो ना इंजन को चलाने के लिए, आप पहले क्या करते हो, हत्ता लगाते हो, तो उसको बोलते हैं प्राइम मूवर। तो आप प्राइम मूवर पहले दोगे, मतलब वर्क ऑन द सिस्टम दोगे, उसके बाद वो चलना स्टार्ट होगा, तब आपको मिलेगा। तो जो आपने अपना एनर्जी सप्लाई की, इसका मतलब टेकिंग नेगेटिव ले ली, तो हमें चलाने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है, यानी कि क्या हो गया, नेगेटिव। तो डब्ल्यू एक्स यहां पर क्या हो गया, इसको इधर ले आए, यहां पर लेंगे H2 माइनस H1, यानी कि कंप्रेसर में एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। भाई आप किसी चीज को बड़े एरिया से छोटे एरिया को लेके जाओगे, उसको धक्का लगा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहा है। और सिंपल कंप्रेसर का बस वही काम है, प्रेशर को बढ़ाना। जब प्रेशर बढ़ेगा इसका मतलब टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका मतलब ऑटोमेटिक आपकी एंथैल्पी बढ़ जाएगी। यहां तक नोट करिए, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक नोट करिए सारे के सारी चीजें, यहां तक नोट कर लीजिए बेटा सब लोग, और नोट्स प्रॉपर बनाइए। और जो आपके आसपास जो बच्चे जो पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं है, उनको भी बताइए कि आप यहां से कर लो सारी चीजें, आपको एक पैसा नहीं लगेगा। हम लोग मटेरियल भी दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी देंगे, ताकि आपको दिक्कत ना आए किसी भी एग्जाम की। जरूरी नहीं आप SSC कर रहे हो, चाहे वो SSC करो, RRB JEE करो, चाहे UP SSS, दुनिया का कोई भी एग्जाम करो, ये मटेरियल सफिशियंट है, ठीक है। चलिए नोट करिए सारी चीजें। चलिए अब बात करते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस की। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस आपने देखा होगा, जब आपके घर पे टैंक भरते हो तो वहां पर एक वाल लगाता है, तो वाल क्या होता है, पार्शली ओपन होता है, ऐसा समझ सकते हो कि आपकी टंकी हल्की सी खुली रह गई, तो वो टप 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 पानी गिर रहा है, इज अ पार्शली वाल ओपन, बहुत हल्का सा ओपन है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस अ पार्शली वाल ओपन, जहां पर एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, जिसके कई नाम जानते हैं, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, पूछ चुका है SSC कि उसका दूसरा क्या नाम है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। ये क्या है, हाईली इररिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब यहां पर हीट का लॉस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये क्या है, एडियाबेटिक, मतलब यहां पर क्या होती है, हीट क्या होती है, जीरो होती है। अब समझते हैं, यहां पर यूज ऐसा समझ लो, डायग्राम तो समझ लो, यहां पर एक ये वाल लगा दिया मैंने, ठीक है, और एक पाइप है, और इसको मैंने क्या कर रखा है, इंसुलेट कर रखा है, ठीक है। अब ये क्या, इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो
तो फ्लो कहां से कहां होगा, इधर की ओर, लेकिन ये बाल क्या है बहुत हल्का सा है, तो ये हल्के से रिस रहा है पानी, आपका वाटर क्या हल्के से हल्के पॉइंट पॉइंट बूंद बूंद करके जा रहा है, ठीक है। तो हम लगाएंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, यूज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा एम वन एच वन प्लस वी वन स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी वाई वन इक्वल्स टू डेल्टा एम टू एच टू प्लस वी टू स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस जी वाई टू और डी डब्ल्यू एक्स। आप देखो बेटा जब इसको इंसुलेट कर रखा है तो डेल्टा क्यू क्या हो गया जीरो हो गया, डेल्टा एम वन बराबर डेल्टा एम टू इसको हमने वन मान ली, यूनिटी मान लिया, ठीक है, हाइट सेम मान ली, वाई वन इज इक्वल टू वाई टू, ठीक। दूसरा इसमें एक सिंपल पाइप जैसे मार कर रहे थे, सिंपल पाइप है, यहां पर कोई रोटरी कोई रेस्पिरेटिंग पार्ट नहीं है, तो कैनेटिक एनर्जी क्या हो गई जीरो हो गई, यानी कि वी वन बराबर वी टू खत्म हो गया। उसके बाद जब कोई रोटरी रेस्पिरेटिंग पार्ट नहीं तो बटन क्या हो गया जीरो हो गया, डी डब्ल्यू क्या हो गया जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, क्या बचा एच वन इज इक्वल टू एच टू, यानी कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी क्या होती है कांस्टेंट होती है, कई बार पूछा गया एसएससी ने, और थ्रॉटलिंग प्रोसेस का दूसरा नाम है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हीट एक्सचेंजर की, हीट एक्सचेंजर। देखो बेटा हीट एक्सचेंजर का कोई लेना देना नहीं, यहां पर सिंपल एक नाम है कॉमन नेम हीट एक्सचेंजर, जो हीट लेता हो या हीट छोड़ता हो, ठीक है, चाहे वो कंडेंसर हो चाहे वो कुछ भी डिवाइस हो मैकेनिकल का, ठीक है, जो हीट लेता हो या हीट छोड़ता हो, मतलब चाहे गर्म करता हो चाहे वो ठंडा करता हो, एक कॉमन नेम दे दिया हीट एक्सचेंजर। जैसे आपने देखा होगा कि ढाबे की छोटी छोटी दुकानों पर एक नाम होता है छोटू, तो छोटू एक नाम है कॉमन नेम है, ठीक है, ऐसे यहां पर क्या नाम है हीट एक्सचेंजर, जो हीट लेता है, ठीक है, ये हीट एक्सचेंजर है, यहां पर हीट आ रही है, दूसरा हीट एक्सचेंजर है क्या है ठंडा कर रहा है, यहां से हीट जा रही है। तो स्टडी फ्लो एजुकेशन, कोई रोटी कोई रेसिपी पार्ट नहीं है, तो डेल्टा क्यू, अब बाकी तो सब जीरो हो जाएगा, ये क्या बचेगा प्लस H1 बराबर H2, हीट आ रही है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब एंथैल्पी क्या हो रही है बढ़ रही है, तो डेल्टा Q इक्वल टू H2 माइनस H1। या बेसिक फंडा भी लगा सकते हो कि हीट आती पॉजिटिव है जाती नेगेटिव है, तो इसको यहां पर ले सकते हैं, तो यहां क्या बचेगा माइनस का डेल्टा क्यू प्लस एच वन बराबर एच टू, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो एच वन माइनस एच टू बराबर डेल्टा क्यू, यानी कि जब कूलिंग हो रही है तो एंथैल्पी क्या हो रही है घट रही है, यानी हीट घट रही है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। पहले इतना नोट करिए बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो बेटा किसी को, आ गया समझ में, नोट कर लीजिए पहले आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले नोट कर लो। ठीक है, एक का नोट करिए पहले, पहले का नोट कर लीजिए जिससे बाद में आपको दिक्कत ना आए, आराम से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर पढ़ते हैं फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, नोट हो गया, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा बेटा, बस और कुछ नहीं है, बाकी सब आपको आराम से हो जाएगा। चलिए बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन की। तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस बेटा कुछ नहीं है, जैसे कि पहले हमने पहले हमारे पास दो, एक में गैस थी दूसरे हिस्से में हमारे पास वैक्यूम था, फिर हमने क्या किया मतलब इस पोर्शन को रिमूव किया, गैस यहां आ गई, ठीक है, फिर हमने क्या लगाया पंप लगाया, फिर यहां से लेके यहां पर गैस को फिल करना,
मतलब दोबारा से वैक्यूम क्रिएट करना, वो क्या कहलाता है, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस कहलाता है। जैसे कई नाम है, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस या नॉन इक्वल वेरियन मतलब असमानता, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन मतलब इसको रोक नहीं सकते, ठीक है। सडनली एक्सपेंशन जैसे बिजली गिरती है, वो फ्री एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। आपकी आपका बलून सडनली ब्लास्ट करता है, किसकी वजह से, जो अंदर गैस भरी हुई है बलून के अंदर वो सडनली एक्सपेंशन करती है, इसी वजह से पट से आवाज आती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, आपकी जो बॉल है सडनली, जो फुटबॉल अगर खेलते फट जाए, वो भी कैसा है, फ्री एक्सपेंशन का एग्जाम्पल। इसका मतलब सडनली एक्सपेंशन, ये कई बार पूछा गया है, या इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस भी है। द फ्री एक्सपेंशन ऑफ ए गैस अगेंस्ट द वैक्यूम इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन, मतलब जब इसको रिमूव करते दोबारा वैक्यूम क्रिएट करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। तो यहां पर कोई वर्क किया नहीं है, हम जानते हैं बाय फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू, इंसुलेटर है तो जीरो, कोई वर्क नहीं किया गया, जीरो। डेल्टा यू क्या हो गया, जीरो, यानी यू टू माइनस यू वन बराबर जीरो, यानी यू टू बराबर यू वन, यानी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, किसमें, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में। ये किसका फंक्शन है, एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। जब ये टेम्परेचर का फंक्शन है तो एंथैल्पी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। इसका मतलब एंथैल्पी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है बेटा फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में। तो ये टॉपिक पूरा का पूरा फिनिश हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहां से ये मतलब एक नंबर दो नंबर आ जाता है। तो जो बच्चे हमारे लिए देख रहे हैं सारी चीजें, तो हम बस आपसे इतना चाहते हैं कि इस लेक्चर्स को प्रमोट करें, शेयर एंड लाइक करें, ताकि और बच्चों को, जो आने वाले जो बच्चे हैं आपके, जो जूनियर्स हैं, सेकेंड ईयर में हैं, कोई फाइनल ईयर में हैं, तो ये उनको और ज्यादा बेनिफिट मिल सके, कि जितना हम आगे ज्यादा जाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट पहुंचा पाएंगे, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद, इतनी सारी चीजें, थैंक यू।